हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर फाइन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ भरमा करेले की रेसिपी। आपने बहुत बार बनाए होंगे, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू की फिलिंग के साथ, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। आपके बच्चे भी इसे खुश होकर खाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए 4 से 5 उबले हुए आलू, उसके साथ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, उसके साथ मैंने लिए हैं करेले। ये घर की बेल के करेले हैं, मार्केट के परचेज करेले नहीं हैं। मेरे किचन गार्डन में लगे थे, वहाँ से मैंने इनको तोड़ लिया। उसके साथ मैंने लिए सूखे मसाले, जिसमें है स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच है, 1/2 टीस्पून ही है पुदीना, 1/2 टीस्पून है अमचूर पाउडर, और उसके साथ है 1 टीस्पून गरम मसाला। आप अपना अपने अकॉर्डिंगली मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो हमारे करेले हैं उनको मैंने छीला नहीं है, बिना छीले ही यूज़ करी, उसको जस्ट मैंने साफ़ कर लिया है, और ना ही इनके बीज मैंने निकाले हैं, क्योंकि जो करेले के बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। उसमें जो ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इनके लिए हम सबसे पहले एक फिलिंग तैयार कर लेंगे आलू की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास बाउल ले लिया है, उसमें मैं आलू डाल लूँगी और उसके साथ ही डाल लूँगी प्याज। अब अच्छे से हमने इनको मैश कर लेना है। मेक श्योर करें कि आपके हाथ अच्छे से क्लीन हो जब आप ये आलू का मसाला बनाएं। तो हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, अब हम इसको भर लेंगे करेलों में। तो अगर आप चाहें तो आप करेलों को छील भी सकते हैं, बट मैंने नहीं छीला है। और उसके बीज निकाल के आप आलू में भी ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो आलू की जगह पनीर की स्टफिंग भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमारा एक करेला भर के तैयार है, बाकी के करेले भी मैं ऐसे ही भर लूँगी। हमारे करेले भर के तैयार हैं, तो चलिए अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी इन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, और ध्यान रखिएगा जब आप करेलों को शैलो फ्राई या डीप फ्राई करें तो जो आपका गैस है वो मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होगा, जो आपके करेले हैं वो बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि जो आपका तेल आपका गैस है वो लो पे हो, और जो आपका तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका हो। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके जो है अपने उसमें करेले रख देंगे। ये जो करेले हैं इनको बनने में टोटल 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें। अगर आप चाहते हैं कुछ वेरियंट अलग से लाना, तो आप आलू के साथ चने की दाल भी थोड़ी सी भिगोकर पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे इनका टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम पलट पलट के इनको सेक लेंगे। तो देखिए हमारे जो करेले हैं वो कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और जो आलू की लेयर है वो भी एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। इनको ऐसे टोटल तलने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, 7 से 8 मिनट टोटल लगे हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा इन पे कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भरमा करेले हैं वो तैयार हैं। तो इन्हें सर्व करें किसी भी चपाती या पराठा के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, अपने रिव्यूज़ देना ना भूलिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।